अगला क्वेश्चन है सर गुड इवनिंग अगर कोई अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहता है तो वट शुड वन नो वट स्किल वन शुड हैव टू मेक इट सक्सेसफुल आर देयर एनी स्पेसिफिक स्किल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक इट सक्सेसफुल डज इट रिक्वायर एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन दैट इंडस्ट्री फॉर स्टार्टिंग और इफ ही और शी इज हैविंग मोर देन वन बिजनेस आइडिया इन इज माइंड

सिंपल सी बात एक एक करके आंसर करने की कोशिश करता हूं सबसे पहले आप मेरी फाउंडर्स अनफिल्टर्ड वाली सीरीज देखो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही आंसर हो जाएंगे कि कैसे ढूंढना है कैसे फिल्टर आउट करना है क्या करना है क्या नहीं करना बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको चीजों के ऊपर और एम सीरीज भी मैं रिकमेंड करूंगा तो एम सीरीज भी देखो उसके अंदर मैंने एक पार्ट के अंदर बता रखा है कि आपके दस आइडिया है उसमें से बेस्ट आइडिया किस तरीके से चुना जाता है जाके वो देखो पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा सक्सेस का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है अगर मैं आपको आपके क्वेश्चंस के कोई भी आंसर दे देता हूं जैसे आपने मुझसे पूछा कि किसी बंदे को प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का बिफोर स्टार्टिंग अप या फिर नहीं अब मैं आपको कहूं हां प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए तब भी आपको फायदा हो सकता है तो अगर आप फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देखते हो उसमें बहुत सारे ऐसे ओनर्स है जिनको पहले से ही उनको एक्सपीरियंस है जैसे बिरयानी बाई के लोग की बात करके चलते हैं उनको पहले से ही फूड वूड का लाइन का आइडिया था तभी उन्होंने इतना अच्छा स्टार्टअप रंग कर पाया उनके पीछे नेटवर्क वेटवर्क थे पर अगर मैं स्लीपी ओल्ड की बात करके चलता हूं तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में किस तरीके से कॉफी बनानी है उन्होंने उस चीज के लिए रिसर्च करी तो दोनों रास्ते सही है ठीक है ये एक माओपिया था जो कि मैं सबका तोड़ना चाहता था फाउंडर एंड फिल्टर से क्या हुआ लोग मुझे फॉलो कर रहे थे तो लोगों को ये लगने लग गया था कि जो मैं बोलता हूं वही यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं है वो मेरे लिए चीजें काम कर रही इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अगर और कोई बिजनेस कोच है बिजनेस एक्सपर्ट है ना जो भी आपको चीजें बता रहे हैं ना वो उनके लिए काम कर रही है किसी भी चीज की कोई टेम्पलेट नहीं है दुनिया के अंदर अगर आपको कोई है है ये 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 पांच चीजें 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 करके हो जाएगी सॉरी एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है ठीक है? है वीडियो में क्लिक लाने के लिए लोग ये लिख देते हैं ऐसा कर देते हैं और लोग क्लिक करके खुश भी हो जाते हैं वाह वाह वो पर नहीं है कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है असली बिजनेस करने का तरीका है शुरू करना आपको प्रॉब्लम्स आएगी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स टोटली यूनिक हो आपको खुद ही सॉल्यूशन उसका ढूंढना पड़ेगा हाँ अगर आप पहले से इंडस्ट्री एक्सपर्ट से नॉलेज लेके चलते हो जैसे कि मान के चलते हैं आपको बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलना है और आपने बिरयानी बाई किलो वालों से पूरी उनकी नॉलेज ले ली क्या क्या है तो उन्होंने जो गलतियां करी थी आप उससे लर्निंग लेके उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे ठीक है ये फायदा मिल सकता है पर उसी इंडस्ट्री के उसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट से और वही स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर चीजें काम करेगी जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे इंडस्ट्री अलग थी पर अगर आज के टाइम की बात करके चले जाए आपकी इंडस्ट्री अलग है आज काम करने के तरीके अलग हो चुके हैं तब अलग हो चुके हैं अगर आप आज कहते हो कि मैं इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी करूंगा इतने रुपए से बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उस जमाने में करना आसान था तो मैं यही रिकमेंड करूंगा इन दो सीरीज को मैं एटलीस्ट जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उन दोनों लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं यार ये दोनों सीरीज देखा करूँ